सर सीधा सवाल है, मौन एक कानून बनाया था जब बेटियों का बलात्कार हुआ था, मैडम को इधर भेज दी, समाज को कटघरे में खड़ा किया गया और बोला कि जो समाज बेटियों के चिल्लाने पर अपनी बच्ची की हिफाजत ना करे उसको जेल में डालो और मार दो, फिर वही समाज बलात्कारियों को निकाल करके दिया और मौ के सामने उसको गोली मारी। सर एक एमएलए को बलात्कार के केस में सजा होता है, उसकी बीबी को टिकट मिल जाता है, एक एमएलए बलात्कार के केस में फंसे होते हैं वो पैसा देकर के अपनी पार्टी में स्थापित रहता है, उसको निकाला नहीं जाता। सेंगर, चिन्मय आनंद, अरुण, राजबल्लभ, नवल, अनवारुल, न जाने हजारों केसरी की मौत, हजारों ऐसे पॉलिटिशियन बाथरूम से लेकर के बेडरूम तक ओपन बच्चियों की का शोषण करता है और उसे पार्टी प्रोटेक्ट करती है, दल टिकट देता है। डिप्टी मेयर सेक्स रैकेटर में यहीं पर फंसे थे, जेल से निकले तो वो मेयर हो गए, समाज उसको प्रोटेक्ट कर देती है। अनवारुल हक जी, नवल यादव और सुखदेव पासवान, आप हमको एक बात बताइए, पूरी टीवी पर चलता रहा, उसके बाद उसको टिकट दी गई और फिर लोगों ने उसको वोट भी दिया। तो जब आप बेटियों का शोषण करने वाले और बलात्कार करने वालों को आप आइकॉन मानोगे, समाज में उसको नेतृत्व की जिम्मेदारी दोगे, होम मिनिस्टर बनाओगे, मिनिस्टर बनाओगे, पोर्न देखने वाले को कर्नाटक में मिनिस्टर बनाओगे, तो हैदराबाद, राजस्थान, आजमगढ़, मोतिहारी, मौनिया, रामगढ़, झारखंड कैसे बेटियों को, कब तक जलेगी बेटी और कब तक तुम जलाओगे कैंडल, कब तक? जब आस्था और आत्मा के नाम पर मंदिर मस्जिद का निर्णय हो सकता है तो आत्मा और आस्था के नाम पर बेटियों की हिफाजत क्यों नहीं होगी? लो ना निर्णय। जब पत्थर का निर्णय हो सकता है आस्था और आत्मा के नाम पर, संविधान वहां कोई रूल नहीं है, तो फिर बच्चियों को बचाने के लिए संविधान और डेमोक्रेसी क्यों हारे आता है? आप क्या चाहते? ये पप्पू यादव का, या तो आप 2 सप्ताह के अंदर उसे फांसी दो, एसपीडी ट्रायल घोषित करो। राजगीर में 8 लड़के ने बच्चियों का बलात्कार करते हुए दिखाया गया, क्या गवाह की जरूरत है? सर मेरी बहन, मेरी बेटी बची हुई है सर, स्कूल से, पड़ोसी से, कहाँ बची हुई है सर? सर जो दिख रहा है टीवी पर वही तो है, और उसके बाद जो नहीं दिख रहा है, जो हवस का शिकार हो रहा है, सर आज जरूरत है सिर्फ बेटियों को बचाने की। सर रोटी और चीजें बाद में, हम पहले बेटी और माँ की हिफाजत करेंगे। और सरकार यदि फांसी नहीं देगा तो अब कैंडल जलाने से काम नहीं चलेगा, इस समाज को खाना चाहिए और बलात्कारियों को जिंदा जलाना चाहिए, तभी हमारे घर की और पड़ोसी की घर की बहन और बेटी जिंदा रहेगी। ये लड़ाई थी, लेकिन एक मजिस्ट्रेट सिर फड़े आए, उसने हमारी महिलाओं के साथ बदतमीजी किया, लाठ गाली गलौज किया, उनके कपड़े चीरे गए सर धरना देने के लिए। 12 घंटे के अंदर जब वहां पर बलात्कार होकर जला दिया गया, हमने रात में उनको रिसीविंग दे दी, रिसीव ले लिया और कह रहे हैं परमिशन नहीं हुआ। सर हम छोड़ेंगे नहीं, ये लड़ाई आर पार की है। सर हम मैक नहीं बजा रहे थे, हम धरना पर बैठ रहे थे और बेटियों को बचाने के लिए भी इतनी ज्यादा फोर्स और लाठी गोली। सर क्या जानबूझकर आपको रोक रही है? सर आप भी जानते हैं, सर आप भी जानते हैं मौत के सौदागर। सर पैसा लेने वाला नेता और बच्चियों पर गलत निगाह रखने वाला नेता और सिस्टम, उसको क्या कहेंगे? आदमखोर। जब आदमखोर जानवर को आप मार सकते हो तो आदमखोर मनुष्य को क्यों नहीं मार सकते हो? सर जब आदमखोर हाथी को गोली मार सकते हो तो फिर आदमखोर मनुष्य जिससे किसी की घर की बेटी हिफाजत में नहीं है उसको क्यों नहीं मार सकते हो? सर क्यों? सर मेरी माँ और मेरी बहन पर कोई उंगली डालेगा तब हम खड़े होंगे। सर आज एक एक लोगों को खड़े होने की जरूरत है, बिहार ही नहीं पूरे देश के महिलाओं के लिए एक मऊ के तरह, चीन के तरह कानून बने, सूट एंड साइट। डर
जो समाज में ये होता है उस समाज को उद्दंडित किया जाए, ये लड़ाई होनी चाहिए। और आज इस लड़ाई की शुरुआत हमारी महिलाओं ने अपमानित होकर के, ये देखिए, ये देखिए, ये है क्या, ये लड़ाई है 5,000 महिलाओं को विधायक जी के सामने में, हमारे नेताओं के सामने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मेरे सामने, इनके सामने में कौन कौन मैजिस्ट्रेट हमको अभी एडीएम लॉर्ड एडीएम सर, आप लोगों से हम उम्मीद करते हैं न्याय की। सर बचा लीजिए आप लोग इस बेटी को। सर हमारी और आपकी बहन सुरक्षित नहीं है। सर हमारी और आपकी माँ सुरक्षित नहीं है। सर इधर दुख सर, जिस दिन माँ की नजर गई सर हमारी बेटी नहीं बचेगी। प्लीज बचा लीजिए, मैं हाथ जोड़ अभी आप वापस क्या, एक मांग क्या आपको यहाँ पर धरना नहीं करना, ये तो पूछिए ना सर सबसे, हम तो आए तो यहाँ सब कुछ सर पैदा किया गया, प्रशासन सर परमिशन है। सर 24 घंटे में आप ये होंगे, ये देखिए ना सर, ये रिसीविंग देखिए ना सर, कल के डेट और कल के डेट में ये रिसीविंग है सर। और सुबह सुबह इसके बावजूद क्या पुलिस जो कर्मी थे उन लोगों ने मारपीट की? सर इनसे पूछिए ना सर, ये परमिशन बैक कर लिया था आपके साथ क्या हुआ था, क्या हो रहे लोग आए अपने आप को के सिंह बताते हुए, एडीएम के सिंह बताते हुए बोले जो धरना स्थल खाली कीजिए। हम लोग को लेकर आप धरना दे, पहले वो पूरी बात बताइए, पूरी बात जो हमारी डॉक्टर बेटी प्रियंका रेड्डी के साथ हैदराबाद के साथ जो घटना हुई है, एवं हर जगह जो बलात्कार हो रही है, उनके साथ जो अत्याचार हो रही है, इसी के विरोध में हमने बैठा था। जो ऐसा ना हो, लोगों को, बेटियों को हमारी न्याय चाहिए, माँ बहनों को न्याय चाहिए, लेकिन उन्होंने इस चीज को नहीं कर दिया। पहला तो दोषी वो है, सेल्फ इज टेलिंग डॉक्टर के एडीएम के सिंह, और उन्होंने भद्दी गालियां देनी शुरू कर दी, पोस्टर्स उजाड़ने शुरू कर दिए, सारे मैट्रेसेस जितने थे उखाड़ फेंकने लगे, फोल्ड करने लगे, ऑटोमेटिक है महिलाओं को उनको हाथापाई करने लगे, उनको उन भद्दी गालियां देने लगे, हमें भद्दी गालियां दिए। सभी उठ के डर से बोले जो आप लोगों पर केस हो जाएगी, आप लोगों को जेल भेज देंगे। डर से सारी महिलाएँ, हमारी बहनें बाहर निकल गई। उन जी उन्होंने ऐसा हाथापाई किया जो गलत जगह छूने की प्रयास कर रहे थे वो महिलाओं को, हमने उनको रोका इस चीज के लिए। आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने गलत जगह छूने का प्रयास किया। जी 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 करेंगे करेंगे करेंगे। मैं आभा राय जन अधिकार पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष जी।